बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर हिस्ट्री स्टूडेंट्स, आज हम अपने चैप्टर नंबर 8 में नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। हमारे पास क्लासिफिकेशन के टॉपिक में आखिरी ग्रुप है जिनको हम कहते हैं डिटेरोमाइसिटीज। इनको डिटेरोमाइसिटीज कहें या डिटेरोमाइकोटा कहें। दूसरा जो हमने इनको नाम दिया है इम्परफेक्ट फंजाई का, उसकी रीजन उसकी वजह यह है कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मैकेनिज्म मौजूद नहीं है। इससे पहले जो 3 ग्रुप्स आप लोगों ने पढ़े हैं उनमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेस पर जो कंजुगेशन करते थे कंजुगेटिंग फंजाई यानी जाइगोमाइसिटीज का नाम दिया, जो एस्कोस्पोर फॉर्मेशन करते थे एस्कोमाइसिटीज का नाम दिया, बिसिडियम पैदा किया बिसिडियोमाइसिटीज का नाम दिया। अब इनमें क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कोई मैकेनिज्म नहीं है लिहाजा इसलिए हम इनको कहते हैं दीज आर द इम्परफेक्ट बिकॉज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्रोसेस इज एब्सेंट। लेकिन इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से मिलता जुलता एक प्रोसेस पाया जाता है जिसको हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड पैरासेक्सुअलिटी। पैरा से मुराद ये है अवे फ्रॉम द सेक्सुअल प्रोसेस यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस से हटते हुए इनके अंदर एक प्रोसेस है। इस पर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं दीज फंजाई आर द सेप्रोट्रॉफिक। सेप्रोट्रॉफिक से मुराद ये होता है कि ये डीकंपोजिशन करते हैं और ब्रेक डाउन कर देते हैं फूड मटेरियल्स की। खास तौर पर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे हैं इनमें जो फ्रूट्स पर जो है वो ग्रो करते हैं और डिके के प्रोसेस को परफॉर्म करते हैं, इसलिए हम कहते हैं दीज आर द डीकंपोजर्स। और उसके बाद हम देखते हैं द हाइफी आर सेप्टेट। सेप्टेट से मुराद जिसमें विद सेप्टम यानी ऐसा हाइफी दैट हैव द सेप्टम मींस अ लार्ज नंबर ऑफ द थ्रेड लाइक फिलामेंट दैट इज कॉल्ड हाइफी इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर सेगमेंट्स ऑफ द सेल्स बाय द फॉर्मेशन ऑफ द सेप्टम। जैसा कि इससे पहले भी हमने बना के देखा था, सपोज किया कि ये एक लार्ज फिलामेंट है हाइफी का। अब इसके अंदर ये न्यूक्लियस मौजूद हो और इन न्यूक्लियस को हम देखते हैं कि सेल्स के दरमियान में ये क्रॉस वॉल पाई जाती है जिसको सेप्टम कहा जाता है। इस क्रॉस वॉल की फॉर्मेशन की वजह से हम इनको नाम देते हैं दीज आर द सेप्टेट फंजाई। इनके हाइफी सेप्टेट होते हैं और इन सेप्टा के दरमियान में इससे पहले भी बात की थी सेप्टल वो होता है जिसके जरिए से एक सेल का साइटोप्लाज्म दूसरे सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लो करता है। और इसके बाद हम देखें कि इनके अंदर जो एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का वो कोनिडिया फॉर्मेशन के जरिए से होता है। कोनिडिया फॉर्मेशन होती है इनके अंदर। कोनिडिया जिसको हमने कहा था कि कोनिडिया जो है वो एक ब्रांच टिप पर जो है वो डेवलप होता है जिसे हम कहते हैं कोनिडियो फोर। कोनिडिया डेवलप्स ऑन अ स्पेशलाइज्ड हाइफी दैट प्रोड्यूसेस द नेकेड स्पोर्स at tip of the hyphae that are not enclosed in any protection or the sporangial wall। ये एक हाइफी की टिप ही एक्चुअल में एक स्पोर की फॉर्म में बदलती जाती है और वो हाइफी जो स्पोर डेवलप करे कोनिडिया डेवलप करे उसे कोनिडियो फोर का नाम दिया जाता है। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हम देखें इनमें जो एग्जांपल्स हैं पेनिसिलियम और इन कोनिडिया का एक खास कलर होता है जिसकी वजह से उस फंगस की बॉडी को एक कलर नजर आता है। जैसे हम कहते हैं पेनिसिलियम ब्लू ग्रीन मोल्ड कहलाता है। खास तौर पर ये पेनिसिलियम जो है ग्रो करता है सिट्रस फ्रूट पर फलों के ऊपर जैसे लेमन ऑरेंजेस वगैरह है उन पर बड़ी आसानी से जो है ये ग्रो करते हैं। और इसी तरह से एस्परजिलस ये ब्राउन मोल्ड कहलाता है क्योंकि इसके जो स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं वो ब्राउन कलर के हैं। अल्टरनेरिया और फ्यूसेरम ये भी प्लांट्स के पैथोजेंस हैं और अल्टरनेरिया सॉइल में पाया जाने वाला एक फंगस है, फ्यूसेरम प्लांट में पाया जाने वाला एक पैथोजन है। तो इस तरह से ये इस डिटेरोमाइसिटीज की एग्जांपल्स हैं। अब वो कहते हैं अगर देखा जाए पेनिसिलियम जिसको ब्लू ग्रीन मोल्ड कहा जाता है तो इसका जो हाइफी है ये सेप्टेट होता है यानी इसके हाइफी में हम देखते हैं क्रॉस वॉल्स जो है वो डिवेलप होती है और
मीटर मल्टीसेलुलर जो है वो माइसीलियम जैसा स्ट्रक्चर जो है वो डिवेलप होता है, यहाँ पर भी सेप्टम्स की फॉर्मेशन है, और ये वाला हाइफी जिसके अंदर हम देखते हैं इसकी टिप्स के ऊपर ब्रांच सूरत में डिवेलप होते हैं कोनिडिया, क्लस्टर्स के अंदर चेन्स के अंदर डिवेलपमेंट जो है ये इंश्योर करवाती है कि द फंगस इज पेनिसिलियम, यानी इस ब्रश जैसे इसके कोनिडिया की फॉर्मेशन से ही पहचाना जाता है कि ये जो फंगस है इसका नाम पेनिसिलियम, और खास तौर पर इसमें डिवेलप होने वाले जो स्पोर्स जिनको हम कोनिडिया या कोनिडियो स्पोर का नाम दें, और ये वाला जो हाइफी है जिस पर ये कोनिडिया डिवेलप हुआ इसको हम नाम देते हैं इट इज कॉल्ड कोनिडियो फोर, और ये नीचे जो हाइफी है ये इसके राइजोइड्स के तौर पर वर्क करते हैं जो इसका सबस्ट्रेटम के अंदर पेनिट्रेशन करते हैं, और इसके फंगस के जो सपोर्स अगर किसी फ्रूट पर जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम किसी ऑरेंज वगैरह पर इसकी ग्रोथ को देखें तो ये सर्कुलर पैटर्न डेवलप करते हैं फंगस, यानी गोलाई के रुख में ये डेवलपमेंट होती है इसके हाइफी की, फैलाव का एक खास करैक्टरिस्टिक्स और खास मैकेनिज्म है, और उसमें पैदा होने वाले जो स्पोर्स हैं उनके खास कलर की वजह से हम इन फंजाई को पहचानते हैं, और इनको एक खास नाम दिया जाता है ब्लू ग्रीन मोल्ड का। इस तरह से हम देखते हैं कि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा कोई प्रोसेस मौजूद नहीं, लेकिन एक प्रोसेस है जिसको हम कहते हैं इट इज लाइक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक एक मैकेनिज्म है, एक्चुअल में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसा मैकेनिज्म बनाते हैं जिसको पैरासेक्सुअलिटी कहते हैं। अब हम इसको डिफाइन करते हैं, पैरासेक्सुअलिटी क्या है, फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई, फ्यूजन ऑफ द न्यूक्लियाई दैट आर लाइक आर प्रेजेंट इन द सेम हाइफी, यानी हम ये देखते हैं कि एक सपोज किया कि ये एक फंगस का हाइफी है, अब इस हाइफी के अंदर दो तरह के न्यूक्लियस मौजूद हुए, एक पॉजिटिव टाइप का और एक बल्कि दोनों के दोनों एक ही जैसे न्यूक्लिया इनके अंदर मौजूद रहते हैं, और इसलिए हम इनको पॉजिटिव और नेगेटिव से लेबल नहीं करते, अगर पॉजिटिव नेगेटिव करेंगे तो जाहिर सी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बन जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कि ये एक न्यूक्लियस था, ये न्यूक्लियस डुप्लीकेट होता है, और इस न्यूक्लियस के डुप्लीकेट होने के बाद एक आउटग्रोथ डेवलप होना शुरू होती है, ये आउटग्रोथ बाहर की तरफ अमर जो होती है, और वो न्यूक्लियस जो डुप्लीकेट हुआ था वो इस आउटग्रोथ के जरिए से मूव करता है, और ये न्यूक्लियस दोबारा इसी ही न्यूक्लियस के साथ आके फ्यूज हो जाता है, ये देखिए जरा ये हाइफी दोबारा यहां पर आकर के इसके साथ फ्यूज हो जाता है, और लिहाजा इसी क्रोमोसोम के इसी न्यूक्लियस का डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम जो था यही न्यूक्लियस जो है वो दोबारा इसी न्यूक्लियस के साथ आकर के फ्यूज हो जाता है, इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं इट इज एक्चुअल में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो नहीं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लाइक प्रोसेस बन जाता है, लिहाजा हम इसको कहते हैं इट इज कॉल्ड पैर।